हेलो दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से इंटरनेट शेयर कर सकते हो, वो जो वीपीएन वाला होते हैं उसका इंटरनेट आप दूसरे मोबाइल पे कैसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मेरे पास तो दूसरा कोई मोबाइल है नहीं, तो इसलिए मैं लाइव नहीं दिखा पाया। तो मैं कागज़ और कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप दूसरे मोबाइल पर हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये मान लो आपका मोबाइल है। ठीक है, ये आपका मोबाइल है। तो आपका मोबाइल पे सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरनेट को ऑन कर लेना होगा। ठीक है, तो यार सॉरी, तो इंटरनेट को ऑन कर लेना। ठीक है, उसके बाद हॉटस्पॉट को भी खोल देना। हॉटस्पॉट खोल लेना। ठीक है, हॉटस्पॉट खोलने के बाद आपका जो भी वीपीएन है उसको आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आप अपना दोस्त के मोबाइल पर या जो भी फोन हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उस मोबाइल पे वाईफाई पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, वाईफाई पे कनेक्ट कर लेना दूसरा मोबाइल। एंड उसमें इसमें जो एप्लीकेशन तुम यूज़ करोगे, ठीक है, जो भी ऐप यूज़ करोगे इसमें जो ऐप यूज़ करोगे तुम, सेम ऐप इसमें भी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसमें भी वही एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसमें जो भी सर्वर सिलेक्ट करोगे, ठीक है, इसमें जो भी सर्वर तुम सिलेक्ट करोगे वो चाहे इंडिया हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इसमें जो जो सर्वर सिलेक्ट करोगे सेम सर्वर इसी इसमें भी सेम सर्वर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेम सर्वर सिलेक्ट करके आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, इसमें भी सेम सर्वर सिलेक्ट करके कनेक्ट कर लेना। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, दोनों में ही चलेगा। ठीक है, बस दोनों में सेम एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ गया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट करके सॉल्यूशन मतलब पूरा समझा दूंगा। बाकी अगर वीडियो देख के समझ गए हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।